नमस्कार बंधुओं, माई सेल्फ अनुप कुशवाहा एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कॉलर। तो पार्टिकल फिजिक्स के 3 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंज पार्टिकल एंड स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंज पार्टिकल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल का क्लासिफिकेशन आप देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कुछ पार्टिकल जिनका नाम केओन्स था, और उसी में आपने कुछ पार्टिकल देखे थे जिनको हाइपरॉन्स कहते हैं। ठीक है, केओन्स में कौन कौन पार्टिकल्स थे? तो केओन्स में आपने देखा था कि के प्लस होता है, के नॉट होता है। और हाइपरॉन्स में अगर बात करें तो इसमें कुल 4 तरह के पार्टिकल आते हैं। और 4 तरह के कौन कौन से पार्टिकल थे? तो मैंने आपको बताया था सिग्मा, है ना, जाई और फिर लैम्डा, ओमेगा। तो इस तरीके से सिग्मा, जाई, लैम्डा, ओमेगा, ये 4 अलग अलग ग्रुप था हाइपरॉन्स के अंदर, और केओन्स में ये 2 पार्टिकल थे। तो ये जो इतने पार्टिकल हैं, इन टोटल्स को यानी केओन्स प्लस हाइपरॉन्स को हम बोलते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रेंज बोला गया तो कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो स्ट्रेंज होगा इनके अंदर। तो देखिए, इन पार्टिकल को स्ट्रेंज पार्टिकल इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर कुछ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी होती है। और वो स्ट्रेंज प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर इनके अंदर बहुत ही स्ट्रेंज होती है, जो कि और पार्टिकल्स में नहीं होती। वो ये कि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा पेयर में होता है। सबसे अजीब बात तो ये है इनके साथ। और दूसरी अजीब बात इनके साथ ये है कि इनका प्रोडक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, लेकिन इनका जो डिके होता है वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये 2 खास बात हैं, 2 स्ट्रेंज प्रॉपर्टी होने की वजह से इन पार्टिकल्स को बोला जाता है स्ट्रेंज पार्टिकल। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि सिग्मा नॉट का जो डिके होता है, सिग्मा नॉट का जो डिके होता है वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू न होकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो इसकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि इसका प्रोडक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू होता है और इसका जो डीके होता है वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। तो हम लोग एग्जांपल यहाँ पर एक लेते हैं। एग्जांपल में आप देख लीजिए कि पाई प्लस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करता है तो डेल्टा नॉट और के नॉट बनता है, सॉरी लैम्डा नॉट इसको बोलते हैं, और ये के नॉट बनता है। लैम्डा नॉट और के नॉट की अगर बात करें तो ये केओन्स हैं और जो लैम्डा नॉट है वो हाइपरॉन्स हैं, और इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कर सकते हैं कि ये स्ट्रेंज पार्टिकल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो ये देख रहे हैं कि स्ट्रेंज पार्टिकल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पेयर में हो रहा है, और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब इनके डीके की बात आती है, यानी कि लैम्डा नॉट के डीके की बात करें, तो इसका जब डीके होता है तो वो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है, और इसी तरह से के नॉट की जब बात करें तो इसका भी जो डीके होता है वो भी वीक इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो खास बात थी स्ट्रेंज पार्टिकल के अंदर, इसी वजह से हम इस पार्टिकल को स्ट्रेंज नाम दिए हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से। ठीक, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे जैसे अब स्ट्रेंज पार्टिकल आपने देख लिया, तो स्ट्रेंज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग यानी स्ट्रेंज पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा था बैरियन पार्टिकल्स होते हैं, तो बैरियन पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए बैरियन नंबर होता है, जो लेप्टॉन्स होते हैं उनके लिए लेप्टॉन नंबर्स होता है, वैसे ही स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेंज पार्टिकल है, यानी कि केओन्स और हाइपरॉन्स, तो उनके लिए स्ट्रेंजनेस नंबर एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर कोई और पार्टिकल है जो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो उसके लिए कोई स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर नहीं होगा, मीन्स स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन के बारे में। तो वहाँ पर एक बात आई थी अप्रॉक्सीमेट कंजर्व्ड क्वांटिटी की। तो जैसे आपने लेक्चर नंबर 2 में जब लेप्टॉन नंबर और बैरियन नंबर की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको 6 एग्जैक्ट कंजर्व्ड क्वांटिटी के बारे में बताया था। तो वो एग्जैक्ट कंजर्व क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वो किसी भी पॉसिबल रिएक्शन में कंजर्व होती हैं, ये श्योर है। लेकिन आइसोस्पिन की बात करें, स्ट्रेंजनेस की बात करें, हाइपरचार्ज की बात करें, ये जो कुछ हैं इनकी भी संख्या 6 है, जिनको मैं आगे अभी आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। तो अभी तक आपने अगर अप्रॉक्सीमेट कंजर्व क्वांटिटी की बात करें तो आपने आइसोस्पिन पढ़ा है, और आज ये दूसरा आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर। तो इस अप्रॉक्सीमेट कंजर्व क्वांटिटी का मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी इंटरेक्शन में कंजर्व हो भी सकती है और किसी में नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो किसी रिएक्शन में कंजर्व होती हैं, किसी में नहीं होती, इसीलिए इनको बोला जाता है अप्रॉक्सीमेट कंजर्व्ड क्वांटिटी।
ठीक है। चलिए तो आपने स्ट्रेंजनेस नंबर देख लिया, स्ट्रेंज पार्टिकल देख लिया, तो अब जब स्ट्रेंजनेस नंबर की बात आती है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई फार्मूला भी होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आपकी ये एमएससी सेमेस्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये आपके सीएसआईआर नेट और गेट के एग्ज़ाम के लिए भी होता है। मीन्स जहाँ पर भी पार्टिकल फिजिक्स की बात होती है तो आपको तो ये एज्यूम किया जाता है कि आपको ये पता होगा, ठीक है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं तो यू आर सपोज टू बी अनअवेयर ऑफ एबीसी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसका मतलब आप पार्टिकल फिजिक्स का बेसिक नहीं जान रहे हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका नाम है जेलमैन निसीजीमा फार्मूला। इस फार्मूले को देखिए कैसे लिखा गया, क्यू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस बी प्लस एस बाई टू। इसमें क्यू जो है वो पार्टिकल का चार्ज है, जो भी स्ट्रेंज पार्टिकल आप लेंगे, और आई थ्री के बारे में पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग वो लेक्चर जाके देख सकते हैं। थर्ड कंपोनेंट आप आइसोस्पिन बोलते हैं इसको, और बी जो होता है वो बैरियन नंबर होता है। बैरियन नंबर किसी भी, अगर कोई बैरियन पार्टिकल है तो उसके लिए जो है इसकी वैल्यू 1 होती है, एंटी बैरियन है तो उसके लिए -1 होगा, इसके अलावा कोई पार्टिकल है तो 0 होगा, ठीक है। और ये है हमारा स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जिसको हम कैलकुलेट करने की आज बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कोई स्ट्रेंज पार्टिकल और उसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंज पार्टिकल की अगर बात करें तो स्ट्रेंज पार्टिकल में आपके पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो जितने भी केओन्स हैं यानी के प्लस के नॉट, और जितने भी हाइपरॉन्स हैं वो सब स्ट्रेंज पार्टिकल हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ केओन्स के बारे में। तो केओन्स में के प्लस आता है, के नॉट आता है, तो हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि इन दोनों का स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम ले रहे हैं के प्लस। अब देखिए के प्लस के ऊपर जो प्लस लिखा है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू प्लस वन। चूँकि जो केओन्स है वो बैरियन की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ये मेसॉन की कैटेगरी में आता है, तो अगर ये बैरियन नहीं है तो इसका बैरियन नंबर भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। और क्या हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर के लिए, तो हमने क्यू निकाल लिया, हमने बी निकाल लिया, अब ज़रूरत है हमको आई थ्री निकालने की। और आई थ्री के लिए डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में बात की है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जल्दी से। और वो क्या बात है कि देखिए केओन्स की बात करें तो इसके पास के प्लस के नॉट होता है, इसका मतलब कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है, यानी ये डब्ल्यू एट पार्टिकल है। तो डब्ल्यू एट है तो मल्टीप्लिसिटी m इज इक्वल टू 2 हो गया, और फार्मूला मैंने आपको बताया था m इज इक्वल टू 2i प्लस 1, तो m की वैल्यू रख दिया हमने 2, और 2i प्लस 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। और i की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो i3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं प्लस i से लेकर माइनस i तक, तो प्लस i की वैल्यू 1/2 और माइनस i की वैल्यू हो जाएगी -1/2। और जो पार्टिकल हमारे पास उसको हम चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है i3 की वो हाईएस्ट चार्ज वाले पार्टिकल के लिए, जो लोएस्ट वैल्यू है वो लोएस्ट चार्ज वाले पार्टिकल के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप i3 निकालते हैं, जिसको मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए केओन्स की अगर हम बात कर रहे थे के प्लस की, तो चार्ज मिल गया, बैरियन नंबर मिल गया, i3 मिल गया, तो ये जो जेलमैन निसीजीमा फार्मूला है इसमें हम q की वैल्यू, i3 की वैल्यू और b की वैल्यू रख देते हैं, तो s की वैल्यू कितनी आ जाती है, +1, ठीक है। यानी कि के प्लस जो है स्ट्रेंज पार्टिकल, इसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर है +1। सिमिलरली अब हम लोग बात करें इसका दूसरा जो मेंबर है के नॉट, तो के नॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से सारा प्रोसेस वही है। अब देखिए के नॉट है तो चार्ज 0 होगा, ये फिर से वही बात है कि मेसॉन है तो बैरियन नंबर 0 होगा, और i3 निकाल लिया है हमने, यहाँ पर देखिए के नॉट के लिए हमने i3 निकाला है, -1/2 आया है, तो हमने i3 रख दिया। फिर से वही फार्मूला हमारे पास है, जेलमैन निसीजीमा फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यू रख दिया, और वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि k प्लस का निकाल रहे हैं स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, वो भी +1 आ रहा है, और k नॉट का निकाल रहे हैं क्वांटम नंबर, तो वो भी +1 आ रहा है। इसका मतलब कि जितने भी केओन्स हैं उनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, तो उनका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर हो गया +1, ठीक है, चाहे वो k प्लस हो चाहे वो k नॉट हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और बाकी आपके लिए छोड़ देंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आंसर मैं इसी पीडीएफ में आपको नीचे दे देता हूं, ठीक है। तो देखिए सिग्मा पार्टिकल की बात करें तो जितने भी सिग्माज हैं, कौन कौन से सिग्माज हैं, तो सिग्मा प्लस होता है, सिग्मा माइनस होता है, सिग्मा नॉट होता है, ठीक है। ये हाइपरॉन्स हैं, तो जितने भी हाइपरॉन्स हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं, इसलिए जितने भी सिग्मा पार्टिकल हैं, जितने भी लैम्डा पार्टिकल हैं, जितने जाई हैं, जितने ओमेगा हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंज पार्टिकल होंगे। तो इसमें भी चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं अलग अलग करके ले रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा प्लस के बारे में। तो इसका चार्ज है +1, और सिग्मा प्लस जो है वो बैरियन की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका बैरियन नंबर हो जाएगा +1। और i3 कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि सिग्मा की बात करें तो ये मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी है, 3 है, मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये फार्मूला m इज इक्वल टू 2i+1 वाला फार्मूला है, m की वैल्यू 3 रख देंगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,
और आई की वैल्यू अगर आपको मिल गई, आई की वैल्यू अगर 1 आ गया तो आप क्या करेंगे? अब आई की वैल्यू निकालने के बाद आई 3 की वैल्यू निकालने के लिए प्लस आई से माइनस आई तक, और जो पार्टिकल है उसको चार्ज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिएगा, सिग्मा प्लस पहले हो जाएगा, सिग्मा नॉट होगा, उसके बाद सिग्मा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा प्लस के लिए जो आई 3 की वैल्यू है वो है प्लस 1, तो आप यहाँ पर रख दीजिए आई 3 की वैल्यू प्लस 1, ठीक है। आई 3 की वैल्यू हो गई प्लस 1, और ये फार्मूला है हमारे पास जेलमैन निसिजमा फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू आई 3 प्लस बी प्लस एस बाई 2, क्यू की वैल्यू प्लस 1, आई 3 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और एस की जगह पर एस रख देंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1, यानी कि सिग्मा प्लस जो पार्टिकल होता है, जो सिग्मा प्लस पार्टिकल होता है, इसका स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर आ गया माइनस 1। तो अगर सिग्मा प्लस का आपने निकाल लिया तो अब इसी तरीके से आप किसका निकाल लेंगे? सिग्मा नॉट का निकाल सकते हैं, है ना। सिग्मा नॉट के लिए क्या होगा? क्यू की वैल्यू इतना रखेंगे, मतलब कितना? प्लस 1, और बी की वैल्यू कितनी रखेंगे? ये भी वही हो जाएगा, और आई 3 की वैल्यू बस वेरी करेगा, तो सिग्मा नॉट के लिए आई 3 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 की बजाय आप यहाँ पर 0 रख देंगे, तो फिर से आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 1। इसी तरह से सिग्मा माइनस की बात करेंगे तो उसके लिए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 हो जाएगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी 1, और आई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्यू और आई 3 की वैल्यू बदल बदल के हर पार्टिकल के लिए रखते जाएंगे, आपको स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर मिलता जाएगा। तो फाइनली आप ये देखेंगे कि जितने भी सिग्मा हैं, सिग्मा पार्टिकल हैं, उन सब के लिए स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर कितना आएगा? माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से एक फैमिली जो मेंबर है ना, उनका स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर सेम आएगा, जितने भी सिग्माज हैं उनका सेम होगा, जितने भी केओन्स हैं उनका सेम होगा, जितने भी सिग्मा के बाद आप पढ़ते हैं क्या होता है, लैम्डा होता है और डेल्टा होता है, तो इन सब का भी आप मतलब लैम्डा का सेम होगा, ओमेगा का सेम होगा, इस तरीके से अपना अपना एक एक ग्रुप का सेम आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप, ताकि जब ये कैलकुलेट करके चेक करें, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, जो तरीका मैंने बताया है, उस तरीके से जब आप कैलकुलेट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर आपका करेक्ट आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि केओन्स का तो मैंने निकाल ही दिया था, केओन्स का स्ट्रेंजेस क्वांटम नंबर हो जाता है प्लस 1, सिग्मा का मैंने निकाल ही दिया, आपको एक दिखा दिया माइनस 1 आया है, तो बाकी मेंबर्स का भी निकालेंगे तो यही आएगा, और ये जो आपको दिख रहे हैं लैम्डा नॉट, इसका भी माइनस 1 ही आता है, ठीक है। जाई या कैस्केट की बात कर लें, माइनस 2 आता है, और ओमेगा माइनस जो है, यानी कि ओमेगा है, उसका माइनस 3 आता है, ठीक है। तो ये आपके केओन्स और ये आपके हाइप्रोन्स, यानी कि पूरा ये क्या हुआ, स्ट्रेंज पार्टिकल, और उन स्ट्रेंज पार्टिकल का ये पूरा आपने इधर क्या देख लिया, स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होते हैं और उसका स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जेलमैन निसिजमा फार्मूले से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं स्ट्रेंज पार्टिकल या स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर के बारे में, वो ये है कि स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रांग इंटरैक्शन में कंजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये आपको बताना ज़रूरी होगा, क्योंकि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो आइसोस्पिन होता है, जो स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर होता है, जो हाइपर चार्ज होता है, ये सब क्या है, ये सब अप्रॉक्सीमेट कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो हो सकता है किसी इंटरेक्शन में ये कंजर्व हो, किसी में ना हो, तो कौन कौन से इंटरेक्शन में ये कंजर्व होगा? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होता है, वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर लेप्टोनिक की बात हो रही हो, लेप्टोनिक पार्टिकल्स हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल अगर वीक इंटरेक्शन के थ्रू रिएक्ट कर रहे हो तो वो कंजर्व होगा, और अगर हेड्रॉनिक पार्टिकल्स हो तो कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं पीछे आपको आइसोस्पिन के बारे में मैंने बताया था कि आइसोस्पिन जो होता है वो किस में कंजर्व होता है, तो वो केवल और केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंजर्व नहीं होता। लेकिन स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों में कंजर्व है, ये श्योर है, और वीक इंटरेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे कि कौन से इंटरेक्शन में कौन सा जो कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व होती है। तो कभी अगर आपको ये पता करना हो कि ये दिया गया जो रिएक्शन है या इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो आप इसी अप्रॉक्सीमेट कंजर्व क्वांटिटी की हेल्प से वो चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।